तो यहाँ पे इस तरीके क्रोचेट का फ्लावर बनाने के लिए हमें डबल कलर की वूल चाहिए और साथ में हमें क्रोचेट चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है 10 नंबर का क्रोशे का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले जो है हम इसका इनर पार्ट बनाएंगे। इस तरीके से आपने अपनी जो है मैजिकल रिंग क्रिएट कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे आपने इस तरीके से ये जो है 5 सिंगल क्रोशे कर देने हैं। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे हमने कर लिए। अब ये धागा खींचेंगे इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से हमारी रिंग जो है यहाँ पे इस तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अब हम पहले वाले स्टिच में जाके स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे सिंगल चेन बनाएंगे 1 इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे 10 जो है सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये सिंगल चेन काउंट करेंगे तो 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा यहाँ पे 10 हमने सिंगल क्रोशे कर लिए। अब फर्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच दे देंगे, 1 की चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारा 1 काउंट हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19 और ये हमारा जो है 20 सिंगल क्रोशे होके फर्स्ट चेन में जाके यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा इनर का पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब आउटर पार्ट जो है हमने इसके बनाने हैं पेटल्स वाला। सेकंड कलर ले लेंगे वूल का, इसके साथ जॉइन कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसकी हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन बनाई। फिर एक चेन बना लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाके इस तरीके से एक लूप निकाल लेंगे। ये हमारे 2, 3, 4 ये हमारा 5, 6 और ये 7 लूप हमने निकाल दिए। अब देखिएगा इस तरीके से एक लूप को हमने बनाया इस तरीके से, सेकंड को भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये हमारा 7। अब हम एक चेन बना लेंगे, फिर इस तरीके से इसमें से लूप निकालेंगे 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन और इसमें जाके एट, फिर इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारा सेवन और ये एट। अब सेम एक इस तरीके से बनाई चेन, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये हमारा एट। इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे साथ साथ में नीचे के साथ जॉइंट भी करते हुए जाएंगे। फिर सेम इसी तरीके से हम ये निकालते जाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। अब इस बारी हम क्या करेंगे, इस बारी हम सेवन ही जो है लूप निकालेंगे। ये हमारा वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये वाला हमारा सेवन वाला हो गया। पहले सेवन थे, फिर एट एट और लास्ट में हमारा एक और सेवन वाला हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम बना देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से कंप्लीट किया। अब हम इस तरीके से स्लिप स्टिच देते हुए बॉटम की तरफ जाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से आपने स्लिप स्टिच देते हुए बॉटम की तरफ जाना है। इसके बॉटम में आगे यहाँ पे अब इस तरीके से एक चेन को हम स्लिप स्टिच दे देंगे एक चेन में, और अब दोबारा से हम यहाँ पे सिक्स की चेन बनाएंगे और सेम इसी तरीके से पेटल हम बनाते हुए जाएंगे। देखिए सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एक पेटल बनाया मैंने, उसी तरीके से टोटल मैंने यहाँ पे फाइव पेटल्स बना के तैयार कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, या ऐसे ही काफ़ी सारे फ्लावर्स बना के आप जो है थाल पोश भी बना सकते हैं, किसी स्वेटर पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैं आपको इससे एक जो है रबर बैंड बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने थोड़े से पर्ल्स और यहाँ पे इस तरीके का रबर बैंड लिया है। आप चाहें तो इलास्टिक लेके बाहर से उसका स्क्रंचीज बना के उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पर्ल्स लिए हैं, ये जो हमारे साइड के कॉर्नर है फ्लावर के, पहले देखिएगा किस तरीके से आप इन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसमें हम अपना पर्ल डाल देंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। सेम हम हर एक जो है यहाँ पे कॉर्नर में इसी तरीके से पर्ल लगा देंगे। यहाँ पे कॉर्नर वाले सारे पर्ल्स हमने लगा लिए हैं। सेंटर में अगर आपके पास है बड़ा सा पर्ल तो लगा लीजिए, यहाँ इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। हमारे पास यहाँ पे है तो हम सेंटर में क्या करेंगे, इस तरीके से एक बड़ा पर्ल लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पर्ल हमारा लग चुका है, साथ में अब हम यहाँ पे इसके रबर बैंड भी अटैच कर लेंगे। देखा आपने, यहाँ पे हमने एक तो क्रोशे से फ्लावर बनाना भी सीखा और साथ में उस फ्लावर का यूज़ हमने यहाँ पे रबर बैंड में किया है। तो हमारा ये रबड़ बैंड और फ्लावर भी बनके तैयार हो चुका है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।